निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है, बिल्कुल सेम ऐसा ही मेरा हाल था जिस टाइम मैंने ये ट्रेलर देखा, क्योंकि मेरा मानना था 2024-25 में बॉलीवुड के अच्छे दिन आने वाले हैं, मगर जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि सपना था। फिर मैंने सोचा अच्छे दिन के तो सपने ही हो सकते हैं, हकीकत में अच्छे दिन आते ही कहाँ हैं। बॉलीवुड ने 3-4 मूवीज ऐसी दी है इस सालों में, उसको देखने के बाद पता लगा कि फाइनली बॉलीवुड के अच्छे दिन आने वाले हैं। इसलिए मैंने ये प्रिडिक्शन की थी कि बॉलीवुड के अच्छे दिन आने वाले हैं, बट मैं इस ट्रेलर को जब मैंने देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मुझसे गलती हुई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी क्योंकि मैंने सपने को हकीकत समझ लिया था। मैंने एक ऐसी वीडियो देखी है जिसको देखने के बाद मुझे ना रातों को अब नींद आएगी और ना ही मुझे पार्टियों में सुकून मिलेगा, ना ही मुझे घरों में अपने सुकून मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि जैसे मेरा सुकून छिन गया है, जैसे मेरी नींदें छिन गई हैं, वैसे ही आप भी इस चीज़ को देखो और रियलाइज करो। इस ट्रेलर का एक छोटा सा नजराना पेश करता हूँ मैं आप सबके लिए, एक डायलॉग पेश करता हूँ। ये डायलॉग को देखो, उसके बाद इस मूवी के बारे में जो आगे की बातें हैं वो करेंगे, फिर मज़ा आएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ मेरी हाल, मेरी सिचुएशन इस समय क्या है, मैं क्या फील कर रहा हूँ। तो ये छोटा सा नजराना मेरी तरफ से। तेरे शरीर में इतना खून नहीं होगा जितना रवि कुमार एक बार में मुंह देता। शाबाश बेटा। जितना आपकी बॉडी में खून नहीं है, जितना हम सब की बॉडी में खून नहीं है, उतना हमारा रवि कुमार मुंह देता है। ये है इस मूवी का डायलॉग। जी हाँ भाई साहब, शुक्र हो हमारे मोदी जी का कि जो अभी तक इस मूवी से हमें रूबरू नहीं कराया। बिकॉज आप सबको मैं इस मूवी के बारे में बता दूँ, ये मूवी 2014 में ही आने वाली थी हिमेश रेशमिया की, और ये उस दिन आने वाली थी जिस दिन फाइनल 2014 का रिजल्ट आया था, जिसमें हमारे मोदी जी ने प्रधानमंत्री का मतलब ओहदा संभाला था। तो मैं थैंक यू बोलता हूँ मोदी जी को कि मोदी जी आपने प्रधानमंत्री का जो ओहदा है उसको संभाला और इस मूवी को आने से रोका। वाह मोदी जी, वाह वाह। अगर आपने नहीं भी रोका है तो भी आपका बहुत बड़ा इसमें हाथ है। आपको मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने मतलब इस मूवी से कुछ, इस मूवी पे ध्यान ही नहीं डाला। अगर आपने ध्यान डाल दिया होता तो शायद पहले ही बॉलीवुड का बेड़ा गर्क हो चुका होता। थैंक यू सो मच मोदी जी आपका। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुष निकला। तो उस टाइम ये मूवी आने वाली थी, मूवी रुक गई थी और उस टाइम मूवी नहीं आई थी। फाइनली इस मूवी का फिर से मतलब डेट वगैरह अनाउंस की जा रही है, सब कुछ अनाउंस किया जा रहा है, ट्रेलर वगैरह जो भी है इस मूवी से रिलेटेड। फाइनली ऐसा लग रहा है कि ये मूवी अब फाइनली रिलीज हो जाएगी और हमारी रातों की जो नींदें हैं, जो हम सुकून से सो पा रहे थे, जो हम सुकून से हंस पा रहे थे, वो भी हमारा छिनने वाला है। नहीं, मैं नहीं मानता। शाहरुख खान ने जो जवान बनाई इतना मेहनत करके, पठान बनाई इतना मेहनत करके, सलमान खान और बहुत सारे जो हमारे बॉलीवुड के स्टार हैं ये काम कर रहे हैं बॉलीवुड की इज्जत बचाने के लिए, बट ये मूवी आने के बाद बॉलीवुड का तो बेड़ा गर्क हो जाना है। ये तो मुझे ऐसा अभी से लग रहा है, ऐसा ही अभी से आभास हो रहा है। जिस मूवी में ये बोला जाता है कि जितना तेरी बॉडी में खून है उतना रवि कुमार मुंह देता है, तो आप सोच सकते हो उस मूवी का क्या होने वाला है। उच्च घटिया लेवल का जो VFX है वो यूज किया गया है। अरे भैया, धोखा देख लियो। और इस मूवी का नाम जो है वो सुन के आपको आपके पैरों के नीचे से जमीन है ना जो खिसकने लग जाएगी। जी हाँ, इस मूवी का नाम है बैडेस्ट रवि कुमार। जी हाँ, जो रवि कुमार हमारी बॉडी में से जितना खून है उससे ज़्यादा मुंह देता है, उसका नाम है रवि कुमार और उसी के नाम पे ही है बैडेस्ट रवि कुमार। इसके डायलॉग्स ऐसे हैं कि आपके सुनने के बाद ना आपके कानों से खून आ जाएंगे। एक डायलॉग और सुनो। जिन तूफानों में तुम जैसों के झोपड़े उड़ जाया करते हैं, हम उन्हीं तूफानों में अपने कपड़े सुखाया करते हैं। तो ये था दूसरा डायलॉग इस मूवी का। जी हाँ, हिमेश रेशमिया से मैं गुजारिश करता हूँ कि हिमेश जी, बॉलीवुड की जो इज्जत बची हुई है, जो खानों ने बचाई है, शाहरुख खान ने मेहनत करके दो मूवी बना के और एक ओ माय गॉड आई, अक्षय कुमार ने इसमें अच्छा काम किया, और ये सब मूवियों से जो शाखें बची हैं उसको भाई प्लीज़ बॉलीवुड का बेड़ा गर्क ना करे। इस मूवी से रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा अपडेट और दे देता हूँ ताकि आपकी जो बची खुची नींदें हैं, सुकून है, वो छिन जाएँ।
इस मूवी में जो सिंगिंग किया है हिमेश रेशमिया ने किया है, डायरेक्ट हिमेश रेशमिया ने किया है, स्क्रिप्ट राइटिंग हिमेश रेशमिया ने किया है, म्यूजिक हिमेश रेशमिया ने दिया है, एक्टिंग हिमेश रेशमिया ने किया है। भाई आप सोच सकते हो हिमेश रेशमिया क्या कर सकता है भाई, अच्छे से अच्छे एक बॉलीवुड इतना अच्छा, हमारा जो परिवार है उसको उसकी जो बची कुची इज्जत थी वो हमें हिमेश रेशमिया ने मतलब अपने कंधों पे ये बेड़ा उठा लिया है कि मैं जो बची कुची इज्जत है उसको भी बॉलीवुड की मैं तार तार कर दूंगा और बेच दूंगा। तो मैं हम हिमेश रेशमिया से एक हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हिमेश जी आप इतनी मेहनत ना करें, वरना बॉलीवुड की जो इज्जत बची खुची है वो जो थोड़े दिन थोड़ा और टाइम था, जो उम्मीद थी अच्छे दिन आने वाले हैं, वो तो ख़त्म हो चुका है। मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि शाहरुख खान, सलमान खान ये लोग क्या करेंगे अब, इन लोगों की नींदें आने वाले टाइम में नींद इनको आएगी भी नहीं आएगी ये सोच के, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं इज्जत बचाने के लिए और हिमेश जी इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि बॉलीवुड को फिर से बेड़ा गर्क कर दिया जाए बॉलीवुड का। तो मैं तो यही वो करूँगा कि सारे ये जितने भी बड़े बड़े डायरेक्टर हैं और ये हैं, इनको हिमेश रेशमिया को पकड़ के क्वारंटाइन में डाल देना चाहिए हमेशा के लिए। और ऐसे जो एक हिमेश नाम का वायरस जो बॉलीवुड को खाने के लिए अभी दौड़ रहा है उसको पकड़ के उसका भी कुछ इलाज करना चाहिए। घटियापना होता है ना, उसकी जो लेबल है ना इस मूवी में क्रॉस कर दी गई है हर लेबल पे, सिंगिंग पे, एक्टिंग पे, डायलॉग पे एंड ग्राफिक्स पे, वीएफएक्स इवन इसमें जो यूज किया गया है तो वो उस पे भी, उसमें भी बीएफएक्स का जो नाम है ना उसको मतलब एक ऐसे कर दिया गया है कि बीएफएक्स का नाम लेने में भी अब डर लग रहा है। तो आप सोच सकते हो कि किस लेवल का काम किया है हिमेश ने। मैं आप सबसे चाहता हूँ कि आप सब ये ट्रेलर जाके एक बार ज़रूर देखें। इस ट्रेलर को देखने के बाद आप खुद मुझे ये बताएं कि इस ट्रेलर को आप कितना स्टार देना चाहते हैं और इस ट्रेलर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। जो भी कहना चाहते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट्स में कृपया करके मुझे आप अपनी जो राय है वो बताएं। मैं नहीं बताऊंगा। मैं बहुत टेंशन में हूँ, मुझे अब नींद नहीं आने वाली, जो भी बची खुची मेरी ज़िंदगी का सुकून था वो भी छीन चुका है इस ट्रेलर को देखने के बाद। क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जितना हमारी बॉडी में खून है रवि कुमार मूत देता है तो वो जिंदा कैसे है भाई। ये सब सारी कुछ अगर आप सबको पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताओ ताकि मुझे भी पता लग सके और मैं भी थोड़ा सा सुकून में हो सकूं, मुझे थोड़ी नींद आ सके रातों में और मैं थोड़ी सुकून की ज़िंदगी जी सकूं। तो प्लीज़ मुझे सुकून की ज़िंदगी जीने में मेरी मदद करें और मुझे कमेंट्स करके इस मूवी से रिलेटेड जो भी आपकी बातें हैं वो मुझे कमेंट्स करके बताओ और ये ज़रूर बताना कि कितना स्टार आप इस मूवी को देने वाले हो, स्पेशली इस मूवी के डायलॉग को, है ना। प्लीज़ जो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना ताकि मुझे पता लग सके आप लोगों ने भी इस मूवी को देख के क्या फील किया है और आप सबको क्या लगता है कि इससे बॉलीवुड को क्या होने वाला है। भाई कुछ तो बड़ा होने वाला है, जो भी होने वाला है आप मुझे कमेंट्स करके बताना। और अच्छा हुआ ये मूवी अभी तक रिलीज़ नहीं हुई थी, वरना हम जो अभी तक सुकून से जी लिए वो भी नहीं जी पाते। अब बाकी आगे क्या होने वाला है वो तो ऊपर वाला मालिक है भाई। और जो भी है आप मुझे कमेंट्स करके बताओ एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ और जब तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय करें, दोस्तों तक शेयर करें और सारे और बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे पड़ी हैं उसको देखें, एंजॉय करें। तब तक के लिए मैं आपके लिए कुछ नई अपडेट ढूंढता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक, कॉमेंट ज़रूर करें ताकि मैं आप सबके लिए ऐसी ऐसी अपडेट्स ला सकूँ। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि मैं जो भी वीडियोज़ अपलोड करता हूँ आप सबके लिए उसकी नोटिफिकेशन आप सबको फर्स्ट पहुँच सके और आप लोग वीडियो को एंजॉय कर सको। तो अपना भी ख्याल रखो, अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखो, एंजॉय करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।